What's up guys, welcome back to my channel। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम फिर से और एक न्यू धमाकेदार कैमरा कंपैरिजन लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो है OnePlus 7 Pro एंड iPhone XS के बीच एक रियल कैमरा कंपैरिजन। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के दिन में इस दोनों ही डिवाइस आपको सिमिलर प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर इसमें से कोई भी डिवाइस को खास करके कैमरे के लिए परचेस करना चाहते हैं तो गाइस यकीन मानिए आज के दिन में भी काफी खतरनाक फोटोज एंड वीडियो शूट कर लेता है इस दोनों ही डिवाइस, क्योंकि हम इस दोनों ही डिवाइस का रियर एंड फ्रंट कैमरे से हर लाइटिंग कंडीशंस में फोटो शूट किए हैं, जैसे कि नाइट मोड हो गया, डे लाइट हो गया, हर कंडीशंस में मैंने इस दोनों ही डिवाइस का रियर एंड फ्रंट कैमरे से वीडियो एंड फोटो शूट किए हैं। ठीक है, तो आप अगर डिटेल में सब कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, कोई भी पार्ट को स्किप किए बिना, क्योंकि इसमें से आप कोई भी डिवाइस को लेना चाहते हैं, एंड्रॉइड लवर हैं या आईफोन लवर हैं, तो इस दोनों ही डिवाइस आज के दिन में भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस एंड कैमरा क्वालिटी भी दे देता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको खास करके कैमरे के लिए कौन सा डिवाइस लेना चाहिए तो इस वीडियो को देख के डेफिनेटली आपको पता चलने वाला है। तो चलिए हम इस दोनों ही डिवाइस के कैमरा सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि OnePlus 7 Pro में आपको रियर साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जो है मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल एंड सेकंड कैमरा 16 मेगापिक्सल एंड थर्ड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें iPhone XS के बारे में तो रियर साइड आपको 12 मेगापिक्सल करके दोनों ही कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट साइड में आप मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। तो गाइस हम देरी किस बात की कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं इस दोनों ही डिवाइस का रियर कैमरे से, सो वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30fps पे। तो इस दोनों ही डिवाइस का रियर कैमरे से सेम फीचर्स में वीडियो शूट कर सकते हैं, जैसे कि 4K 60fps, 4K 30fps, 1080p 60fps एंड 1080p 30fps पे। लेकिन गाइस इस दोनों ही डिवाइस का रियर साइड में आपको ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दौड़ कर दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मैं दौड़ रहा हूँ एकदम बुरी तरीके से, तो फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा डिवाइस का स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतरीन है। और अभी जो है वो थोड़ा बहुत मतलब शाम का टाइम होने वाला है और सनलाइट पड़ रहा है, सो उसके हिसाब से आप कलर टोन्स वगैरह अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा डिवाइस में ज़्यादा बेहतरीन वीडियो क्वालिटी शूट करता है। तो इस तरीके से सनलाइट शो हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा घूम के दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा हम डायनेमिक रेंज कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन एकदम प्रॉपर तरीके से डायनेमिक रेंज को कैप्चर कर लेता है। तो चलिए हम थोड़ा सा ऑटो फोकस भी कैप्चर करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन एकदम प्रॉपर तरीके से ऑटो फोकस भी कैप्चर कर लेता है, दोनों ही फ़ोन एकदम फास्ट है।
गाइस अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं इस दोनों ही डिवाइस का फ्रंट कैमरे से। सो वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30fps पे। तो इस दोनों ही डिवाइस का फ्रंट कैमरे से सिर्फ 1080p 30fps से ही वीडियो शूट कर सकते हैं। और इस दोनों ही डिवाइस का फ्रंट साइड में आपको स्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दौड़ के दिखाता हूँ। तो अभी हम दौड़ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन गाइस अभी जो है वो थोड़ा सा सनलाइट पड़ रहा है मेरा फेस के ऊपर। सो उसके हिसाब से आप मतलब कलर टोन्स वगैरह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा डिवाइस का फ्रंट साइड का वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा घूम के दिखाता हूँ। चेक कर लेते हैं। तो गाइस सही था मेरा आज का वीडियो इस दोनों ही डिवाइस का कैमरा कंपैरिजन के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसके लिए गाइस प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप अगर हमारे इस चैनल में नए हो तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वॉल नोटिफिकेशन जरूर दबा रखिएगा, क्योंकि हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। लेकिन गाइस अपना ख्याल जरूर रखिएगा।